हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम उन डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे जिनमें रिपोर्टेड स्पीच एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। हमारी कोई फीलिंग्स होती है और उस सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब वो सडन फीलिंग किसके बारे में होती है? तो वो सडन फीलिंग होती है हमारे जो है खुशी के बारे में। हमारी खुशी की हो सकती है, हमारे दुख की हो सकती है, सोरो, और हमारे सरप्राइज की हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी एक्सक्रीमेंट कोई भी सेंटेंस जो हमारी जॉय, सोरो, सरप्राइज की जो है सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा हो उसको हम एक्सक्रीमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाता है तो उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन कुछ सेंटेंस लेते हैं और उनके माध्यम से एक एक करके हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सैड अलास आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा। तो अब इस सेंटेंस में क्या है कि ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। जो स्पीकर के शब्द हैं उनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है और जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें एक इंटरजेक्शन लिखा हुआ है अलास। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन कुछ शब्द होते हैं जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इनका कोई खास मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ ये हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अलास है, ये हमारी सोरो को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हुर्रा है, वो हमारे हम खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे वाओ है, वाओ, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, वाओ, तो ये हमारी सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई विशेष मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये हमारी फीलिंग को बताते हैं कि हमारी फीलिंग कैसी है। ठीक है, अब जैसे हिंदी में हम यूज़ करते हैं हाय, मेरा मोबाइल गुम हो गया, तो अब ये जो हाय है ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये हमारे दुख को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी कुछ शब्द होते हैं जिनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये शब्द जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो है आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आप उनको देख सकते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, कोई ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनमें ये इंटरजेक्शन आए, तो उनको बारी बारी से हम देख रहे हैं अभी कि उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो बाकी तो सेंटेंस का जो स्वरूप होगा वो पहले जैसा ही होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है सिर्फ वो चेंज कर दिया गया है। और उसमें भी क्या चेंज कर दिया गया है? उसमें एक इंटरजेक्शन डाल दिया गया है शुरू में। बाकी सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये आगे का पार्ट है। ठीक है, बाकी सारा सेंटेंस सेम वैसा ही है जैसा पहले हम देखते आ रहे हैं। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, तो जब भी ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको देखने को मिले जिसमें अलास आया हो, ठीक है, ऐसा कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिले जिसमें अलास यूज हुआ हो, तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये ही है, तो मैंने लिखा ही। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सैड से लेके, ठीक है, ये सैड से लेके और ये एक्सक्लेमेटरी साइन तक, यहाँ तक आपको इसको रिप्लेस करना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो से। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, इससे रिप्लेस करना है। उसके बाद दैट लगाना है, दैट के बाद जो ही सेंटेंस बच गए, आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, इसको पहले जैसे हम चेंज करते आ रहे हैं उन्हीं सेंटेंसेस के अंतर्गत, मतलब अनुसार इसको चेंज करना है उन्हीं रूल और रेगुलेशंस के अनुसार। तो जिस प्रकार से हमने पहले जो सेंटेंस चेंज किए थे अब तक जो हम करते आ रहे हैं इनको चेंज, जैसे एक सिंपल सेंटेंस होता था उसमें हम जो है रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंपल सेंटेंस होता था तो उसमें हम टेंस चेंज करते थे, प्रोनाउंस चेंज करते थे। ठीक है, और अगर कोई एडवर्ब आ जाती थी जैसे दिस का दैट हो जाता था, नाउ का देन, तो ये सब कुछ पहले जैसे ही है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं सेम वही है। तो अभी आई फर्स्ट पर्सन है, रूल के अकॉर्डिंग ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इसके अनुसार चेंज होगा, तो इसका हो जाएगा ही
इसका हो जाएगा ही। अभी हम आ गए हैं देखिए टेंस पे, ठीक है, ये टेंस पे आ गए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो टेंस चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड लॉस्ट, तो ये हम कर देंगे इसका हैड लॉस्ट। उसके बाद माई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हिज। और उसके बाद मोबाइल, ये थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, नाउन है। तो इस तरह से आपको इसको चेंज करना है। अब बात आती है एक्सक्लेम्ड विद सोरो आप कब लिखेंगे, ठीक है, तो कब लिखेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो उसमें अलास इंटरजेक्शन दिया गया हो। अब जरूरी नहीं है कि अलास ही दिया गया हो तभी आप एक्सक्लेम्ड सोरो लिखेंगे, कुछ और भी इंटरजेक्शन है, जैसे कि इसके साथ साथ, अलास के साथ साथ, जैसे आ है, ठीक है, आ आ है, उसके बाद ओ डियर है, जैसे कई बार हम कहते हैं ओ डियर, ये भी हम अपने दुख में भी बोलते हैं, तो ओ डियर ये है, ठीक है। तो अगर ये इनमें से कुछ भी आ जाए यहाँ पे आपको देखने को मिले इनमें से कुछ भी, तो आपको कुछ नहीं करना, सैड से लेके और एक्सक्लेमेटरी साइन तक एक्सक्लेम विद सोरो ये फ्रेज लिख देनी है, और बाकी आपको सेंटेंस सिंपल सा मिल जाएगा आगे, उसको आपको जैसे हम पहले चेंज करते आ रहे हैं उसी के रूल के अनुसार इसको चेंज कर देंगे। ओके, चलिए एक ओ डियर का सेंटेंस भी ले लेते हैं कि ओ डियर वाले सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए सी सैड, ओ डियर आई हैव स्पिल्ड टी ऑन द टेबल, आई हैव स्पिल्ड टी ऑन द टेबल, ठीक है, मैंने चाय जो है टेबल पर गिरा दी है। तो ये हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सी, तो हमने लिखा है सी, उसके बाद एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमने रिप्लेस कर दिया एक्सक्लेम्ड विद सोरो से। उसके बाद दैट, उसके बाद फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे सी, हैव स्पिल्ट है तो इसकी हो जाएगा हैड स्पिल्ट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है। उसके बाद टी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, और ऑन द टेबल, ये एक ऑन प्रीपोजिशन है, दी आर्टिकल है, टेबल नाउन है, इनको भी चेंज नहीं करेंगे, और फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। तो इस तरह जब भी अलास आ जाए, आ जाए, ओ डियर आ जाए, तो ये अगर आ जाए, ये इंटरजेक्शन आपको देखने को मिले, तो आपको क्या करना है, जो सैड से लेके और एक्सक्लेमेटरी साइन तक एक्सक्लेम विद सोरो में चेंज करना है। यहाँ पे आप जो विद सोरो हैं, ये जो विद सोरो हैं, ये विद सोरो है, इसको सोरो फुल्ली भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड सोरो फुल्ली, ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तो अभी हमने क्या समझा है, अभी आपने मतलब क्या देखा है, अभी हमने देखा है कि कोई अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी साइन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए, और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलास आ जाए, ठीक है, आ जाए, और ओ डियर आ जाए, ओ डियर, तो आपको क्या करना है, आपको सैड से लेके और एक्सक्लेमेटरी साइन जहाँ तक है, यहाँ तक एक्सक्लेमेटरी साइन जहाँ तक है, वहाँ तक आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, या एक्सक्लेम्ड सोरोफुली, एक्सक्लेम्ड सोरोफुली, इस तरह के जो है फ्रेज यूज करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन को हटा देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही सैड, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा ही सैड, उसने कहा हुर्रा,
वी हैव वॉन द मैच। तो अभी यहाँ पे कैसी फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है, इसमें खुशी की फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद क्या करेंगे, सैड से लेके और एक्सक्लेमेटरी साइन तक। अब हम रिप्लेस करेंगे इसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद फिर दैट लगाएंगे, दैट के बाद जो ये सेंटेंस बच गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, इसको चेंज कर देंगे। तो वी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे दे। उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, जब टेंस चेंज करेंगे तो हैड वॉन। उसके बाद द आर्टिकल है, चेंज नहीं होगा, मैच नाउन है, चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। तो इसको जब चेंज करा तो हमने देखा कि हुर्रा किस में चेंज हो गया, एक्सक्लेम विद जॉय में। अब एक तो आपको हुर्रा इंटरजेक्शन आ जाए तब आपको एक्सक्लेम विद जॉय फ्रेज यूज़ करनी है, और दूसरा कुछ और इंटरजेक्शंस भी हैं जब हम जब वो रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए इस तरह से, तो हम एक्सक्लेम विद जॉय यूज़ करते हैं। वो इंटरजेक्शन है हाँ और आहा, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, हाँ और आहा, ये अगर इंटरजेक्शन भी आ जाए, ये भी अगर आ जाए तो आपको एक्सक्लेम विद जॉय यूज़ करना है। जैसे एक ये इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा द चाइल्ड सैड, द चाइल्ड सैड आहा पापा हैज़ कम, पापा हैज़ कम, ठीक है। ये है तो बच्चे ने कहा आहा पापा हैज़ कम, तो बच्चे की जो है एक खुशी की फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है यहाँ पर भी। तो इस सेंटेंस को जब हम रिपोर्टेड इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, द चाइल्ड लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ये, तो द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड। अब क्योंकि यहाँ पे आहा है तो आहा है तो क्या करेंगे, सैड से लेके और ये एक्सक्लेमेटरी साइन तक क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दैट लिखेंगे, दैट के बाद ये पापा है जो थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, तो लिखेंगे पापा। उसके बाद हैज़ कम, प्रेजेंट परफेक्ट है, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में तो टेंस चेंज हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो ये हो जाएगा हैड कम, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो सैड से लेकर एक्सक्लेमेटरी साइन तक ये चेंज किस में हो गई है, एक्सक्लेम विद जॉय में। तो जब भी हुर्रा आ जाए, हाँ आ जाए, आहा आ जाए, तो आपको एक्सक्लेम विद जॉय ये फ्रेज यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रख सकते हैं हम यहाँ पर भी, वो क्या है कि एक्सक्लेम विद जॉय को, ये जो विद जॉय है इसको हम जॉयफुल्ली भी लिख सकते हैं यहाँ पर भी, जॉयफुल्ली। तो ऐसा लिख सकते हैं, ये एक्सक्लेम्ड जॉयफुल्ली, द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड जॉयफुल्ली, इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा कि अगर हुर्रा आ जाए, हाँ आ जाए, आहा आ जाए, तो हमें जो फ्रेज यूज़ करनी है सैड से लेके एक्सक्लेमेटरी साइन तक, जिसके मतलब जो फ्रेज हमें रिप्लेस करनी है, जो सैड से लेके एक्सक्लेमेटरी साइन तक का जो पार्ट है वो हमें जिस फ्रेज से रिप्लेस करना है वो फ्रेज क्या है, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम जॉयफुली। लास्ट स्लाइड में हमने क्या सीखा था कि अगर अलास आ जाए और आह आ जाए, ऑडियर आ जाए, तो हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम्ड सोरोफुली, हम इस तरह जो है फ्रेज यूज़ करते हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिखा ही सैड, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है हमारा ही सैड सॉरी आई कैन नॉट गिव यू माई स्कूटर,
ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है ना, ये यहाँ आएगा इंटरजेक्शन के बाद, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तब ये कह रहा है ही सैड सॉरी आई कैन नॉट गिव यू माई स्कूटर, वो उसने कहा मुझे अफसोस है कि आई कैन नॉट गिव यू माई स्कूटर, मैं तुम्हें अपना स्कूटर नहीं दे सकता। तो अब सॉरी यहाँ पर जो है एक वर्ड यूज़ किया गया इंटरजेक्शन के तौर पर। तो यहाँ पे अब हम जब सॉरी कब कहते हैं, सॉरी हम तब कहते हैं जब हमें कोई अफसोस होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये सैड से लेके और सॉरी तक, जब भी सॉरी आ जाए तो आपको क्या करना है, सैड से लेके सॉरी तक क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ठीक है। ये फ्रेज रिप्लेस कर देनी है, बाकी जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह से हमें वो चेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट है ही, उसके बाद एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट के बाद आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही, कैनॉट है ये हो जाएगा कुड नॉट, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में है तो कैनॉट का कुड नॉट हो जाएगा। उसके बाद कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे गिव, और यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट है नहीं तो जब रिपोर्टिंग वर्ब को सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट आप मी सपोज कर लेना, ठीक है। तो ये वर्ब के बाद है यू, तो ये जब इस मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये यू को जब हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो इसका मी ही रहेगा, तो हो जाएगा मी। उसके बाद माई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये हो जाएगा हिज, और स्कूटर एक थर्ड पर्सन है, नाउन है ये, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, स्कूटर, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही कुड नॉट गिव मी हिज स्कूटर। तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट आपको तभी यूज करना है जब सॉरी आ जाए, और कोई इंटरजेक्शन है नहीं जिस जो एक्सक्लेम विद रिग्रेट ये फ्रेज यूज करता हो, मतलब जिसकी जगह हम एक्सक्लेम विद रिग्रेट यूज कर सकें, तो आपको सॉरी याद रखना है, यहाँ पर सिर्फ एक इंटरजेक्शन है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी पू यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर क्या है पू, तो हम सैड से लेके और एक्सक्लेमेटरी साइन तक क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो पू है ना ये हम तब यूज़ करते हैं जैसे हम कहते हैं ना छी, जैसे हम किसी को किसी से हमें घृणा हो हम घृणा से बोलते हो, तो हमारी जो घृणा की फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट ये फ्रेज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब पू आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट आपको यूज करना है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, उसके बाद एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट दैट यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ये हो जाएगा आई हैव अगेन फेल्ड, तो हैव अगेन फेल्ड ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ पे, तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हैड अगेन फेल्ड इन द, इन प्रीपोजिशन है चेंज नहीं होगा, द आर्टिकल है और एग्जामिनेशन नाउन है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको इसको यूज नहीं करना है, ओके। अब एक और इंटरजेक्शन है जो
अगर वो भी आ जाए तो भी हम एक्सक्लेम विद कॉन्टेम्प्ट यूज करते हैं, और वो इंटरजेक्शन है ये, इसका मीनिंग भी यही होता है। तो पुह और शौ, ये अगर इंटरजेक्शंस आ जाएँ यहाँ पे कहीं पर भी, एक्सक्लेमेटरी साइन हो इनके बाद और आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ हो, अगर ऐसा रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो आपको एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट ये फ्रेज यूज़ करनी है, ठीक है। और सीधा लग जाना सैड से लेके और एक्सक्लेमेटरी साइन तक, इसको रिप्लेस कर देना सीधा सीधा सा है ये, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये आपका सिंपल सा सेंटेंस बच जाएगा, इसको आप आराम से चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा सेंटेंस है, द जनरल सेड द जनरल सेड ब्रेवो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा सा आपको थोड़ा और इजी समझ में आ जाएगा। द जनरल सैड टू हिज सोल्जर्स, टू हिज सोल्जर्स ब्रेवो यू हैव फॉट ब्रेवली, यू हैव फॉट ब्रेवली, ठीक है। ये सेंटेंस है, द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स ब्रेवो यू हैव फॉट ब्रेवली। अब जब ब्रेवो आ जाए, ध्यान से सुनना है इसको, जब ब्रेवो आ जाए, ये ब्रेवो जब रिपोर्टेड स्पीच में एक इंटरजेक्शन के तौर पे आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है अपलाउडेड और डॉट 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 आइए, उसके बाद सेइंग, ठीक है। उसके बाद हमारा कंजक्शन आ जाएगा, मतलब ये इन्वर्टेड कोमा कोमा को हटा के यूज करते हैं ना, ये कंजक्शन आ जाएगा। तो आपको कैसे इसको यूज़ करना है, देखिए अपलाउडेड हो गया तो ये आपको यहाँ से लेके और एक्सक्लेमेटरी साइन है ना, यहाँ तक इसको जो है आपको रिप्लेस करना है, यहाँ तक किससे रिप्लेस करना है, अपलाउडेड सेइंग यहाँ तक। उसके बाद तो कोमा इन्वर्ट, ये जो कोमा इन्वर्ट कोमा को हटाने के लिए हम कंजक्शन यूज़ करते हैं, दैट ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। उसके बाद बात आती है यहाँ पे क्या लिखें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिससे बोला जा रहा है। अब जिससे बोला जा रहा है वो या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे यहाँ पर सोल्जर्स लिखा हुआ है, जनरल किससे बोल रहे हैं, सोल्जर्स से, तो यहाँ पर तो लिख रखा है। लेकिन अगर कई बार लिखा भी नहीं होता तो आपको जो है अपने अंडरस्टैंडिंग से सोचना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने, मतलब रिपोर्टिंग वर्क पे सब्जेक्ट ने ये बात किससे बोली होगी, तो ये आपको फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग से सोचना पड़ेगा। तो वो एग्जांपल मैं लूँगा अभी थोड़ी देर में, पहले इसको देख लेते हैं ये कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट द जनरल, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेम्ड, सॉरी एक्सक्लेम्ड नहीं आता, क्या आएगा, अप्लाउडेड, अपलाउडेड अब किससे, हिज सोल्जर्स। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है इसको लिख देंगे अब यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये जो ब्लैंक था तो हिज सोल्जर्स, अब उसके बाद सेइंग आ जाएगा, उसके बाद दैट, दैट के बाद अब ये आ जाएगा यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद फोर्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है यहाँ पे, ये तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैड फॉट, हैड फॉट। उसके बाद ब्रेवली एक एडवर्ब है, चेंज नहीं होगा, और फुल स्टॉप। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा, द जनरल अपलाउडेड इज सोल्जर्स सेइंग दैट दे हैड फॉट ब्रेवली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक ऐसा ही सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगे और आपको पता करना है फिर ऑब्जेक्ट हम क्या लिखें, मतलब यहाँ पर जो अपलोडेड के बाद जो ब्लैंक होगा ना, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे। तो चलिए, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, द कैप्टन सैड
ब्रेवो यू प्लेड वेल। ओके, अब ये सेंटेंस है। अब देखिए, अब हम क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है सैड से लेके और एक्सक्लेमेटरी साइन तक। क्या यूज़ करना है? अपलाउडेड डॉट और सेइंग, ये यूज़ करना है। उसके बाद डेट आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे आप वो लिखेंगे जिससे ये बात बोली गई है, यू प्लेड वेल, जिससे ये बात बोली गई है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ने, द कैप्टन ने ये बात बोली है, द यू प्लेड वेल। तो ये किससे बोली होगी? अपने अंडरस्टैंडिंग से अंदाज़ा लगाइए। तो यहाँ पर ये बोली गई होगी द प्लेयर से, ठीक है? तो यहाँ पे द प्लेयर्स आप लिख देना, द प्लेयर्स। तो इस तरह से हम इसको अब चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए, द कैप्टन अपलाउडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट के बाद यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। ऑब्जेक्ट अपन ने बना रखा है द प्लेयर्स, तो हो जाएगा दे। उसके बाद प्लेड पास्ट इंडेफिनेट है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनेट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। हैड प्लेड वेल एक एडवर्ब है, तो ये इसको चेंज नहीं करेंगे, फुल स्टॉप। द कैप्टन अपलाउडेड द प्लेयर सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल। ओके, अब एक तो ब्रेवो आ जाए तब आपको ये फ्रेज यूज़ करनी है, ये ठीक है? ऐसा आपको एक तो ब्रेवो आ जाए तब यूज़ करना है। एक स्प्लेंडेड होता है, स्प्लेंडेड, ठीक है? ब्रेवो की जगह अगर स्प्लेंडेड आ जाए, स्प्लेंडेड, तो भी ऐसा ही करना है। जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने, द कैप्टन सैड, द कैप्टन सैड स्प्लेंडेड यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल माई बॉयज, माई बॉयज, ठीक है? ये है। तो देखिए, कैप्टन लिखा हमने, यहाँ पे हम द कैप्टन लिखेंगे, द कैप्टन, फिर लिखेंगे अपलाउडेड। अब किसको अपलाउड किया इसने? सुनने वाला कौन है? माई बॉयज। तो ये हो जाएगा द कैप्टन अपलाउडेड हिज बॉयज सेइंग, सेइंग के बाद दैट, और दैट के बाद इसको चेंज कर देंगे, यू हैव डन वेल का हो जाएगा दे हैड डन वेल। ओके, आई होप आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। अब एक कुछ और इंटरजेक्शन देखते हैं, कुछ और इंटरजेक्शंस जैसे एक और इंटरजेक्शन मेरे दिमाग में है, उफ़। कई बार हम उफ़ भी यूज करते हैं, तो उसका एग्जांपल भी ले लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सैड ही सैड उफ़, ठीक है? ये उफ, आई हैव हेटेड हिम लाइक एनीथिंग, आई हैव हेटेड हिम लाइक एनीथिंग, ठीक है? ये इन्वर्टेड कोमा बंद है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे अब इंटरजेक्शन क्या है? उफ़ है। तो जब उफ़ इंटरजेक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है? डिस्कस्ट। तो ये सैड से लेके
और उफ तक। यहाँ पर जो उफ है ये हमारी डिस्कस्टिंग फीलिंग होती है, मतलब जो डिस्कस्ट की जो फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ट, एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ट, ठीक है, ये यूज करेंगे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा हमने ही, उसके बाद एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ड, उसके बाद दैट आ जाएगा, ठीक है। दैट के बाद आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही हो जाएगा। हैव हेटेड प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनेट में है, पास्ट टेंस में है। तो ये हो जाएगा हैड हेटेड। उसके बाद हिम थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। लाइक प्रीपोजिशन है, चेंज नहीं होगी। और एनीथिंग एक प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट ही हैड हेटेड हिम लाइक एनीथिंग। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि उफ आ जाए तो आपको एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट ये फ्रेज यूज़ करनी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ही सैड कन्फाउंड यू, कन्फाउंड यू, यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब कन्फाउंड यू, तो अब कन्फाउंड यू आ जाए तो आपको एक्सक्लेम्ड इन एंगर यूज़ करना है। ध्यान रखना है ये चीज़ें, आप नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहें तो। तो अगर कन्फाउंड यू आ जाए तो आपको क्या करना है, सैड से लेके और एक्सक्लेमेटरी साइन तक यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है एक्सक्लेम्ड इन एंगर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड इन एंगर दैट। अब यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम यहाँ पे मी बना लेते हैं, ठीक है। तो मी के अनुसार इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। हैड स्पॉइल्ड एवरीथिंग एक प्रोनाउन है तो ये चेंज नहीं होगा, एवरीथिंग का एवरीथिंग लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। चलिए एक और भी इंटरजेक्शन है, जैसे से फॉर गुडनेस सेक आ जाए तो भी आपको एक्सक्लेमेटरी एंगर यूज करना है, ठीक है। फॉर गुडनेस सेक तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर गुडनेस सेक, ये अगर आ जाए ना तो भी आपको जो है ये ऐसे मिलेगा, आगे सेंटेंस मिलेगा। तो अगर ऐसे आ जाए ये भी तो भी आपको जो है एक्सक्लेम्ड इन एंगर यूज करना है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा, देखिए मैं सेंटेंस लिख के बताता हूँ आपको, फिर आप इसको समझ सकते हैं। इसमें एक अब जो है एक असर्टिव सेंटेंस है, इसमें एक असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन जब फॉर गुडनेस सेक हम यूज करेंगे तो उसमें हम किसी को कोई चीज़ मना करने के लिए करते हैं, भाई ऐसा मत करो, तो उस वहाँ पर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार सेंटेंस देख लेते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही सैड फॉर गुडनेस सेक डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, भगवान की खातिर शोर मत करो, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सैंड से लेके और ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है यहाँ तक हम एक फ्रेज यूज़ करेंगे। वो फ्रेज क्या है, एक्सक्लेम्ड इन एंगर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कोई सेंटेंस नहीं है लेकिन इसने एक इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे एंड लगा के इसको फिर जोड़ेंगे। एंड एंड के बाद में ये तो उसने, ये तो उसकी फीलिंग को शो कर रहा है, तो यहाँ पर तो हम उसकी फीलिंग लिख दी हमने, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है डोंट मेक ए नॉइज़, तो फिर हम यहाँ पे एंड आस्क्ड लगा के, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस हम जोड़ देते हैं ना, ऐसे यूज़ करेंगे, एंड आस्क्ड नॉट टू मेक ए नॉइज़, नॉट टू मेक ए नॉइज़, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब चेंज हो ही गया ये एक्सक्लेम्ड इन एंगर एंड आस्क्ड नॉट टू मेक ए नॉइज़, इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है मिनी एग्जाम्पल है। चलिए, मैंने लिखा आई सेड टू हिम ये इंटरजेक्शंस हैं टट टट, ठीक है, ये हैं। और हमने लिखा यू आर ए मिस्चीवियस ये आई ई होता है, आई ई वी ओ यू एस, ओके। ये थोड़ी सी स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे अब हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। यू आर ए मिस्चीवियस, सॉरी अभी बॉय नहीं लिखा है, यू आर ए मिस्चीवियस बॉय, अब इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, यहाँ नहीं है, ओके। चलिए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी ये इंटरजेक्शन आ जाए यहाँ पे, ये ऐसे टट टट ये आ जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो सेट टू है ना, ये सेट टू, इसकी जगह आपको रिप्रोच्ड कर देना है। रिप्रोच्ड इसका मतलब होता है धिक्कारना, धिक्कारना, ठीक है, सिर्फ इतना करना है। उसके बाद आपको दैट लगा के और ये आगे का जो सेंटेंस है बिल्कुल सिंपल बच जाएगा, इसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे, तो मैंने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई, अब सेट टू को मैंने किस में चेंज कर दिया, रिप्रोच्ड, उसके बाद हिम, उसके बाद दैट लगाया, और दैट के बाद यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जब इसको चेंज करेंगे ये हो जाएगा ही, उसके बाद आर का हो जाएगा वाज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ए आर टी के लिए चेंज नहीं होगा, मिसचीवियस एडजेक्टिव है चेंज नहीं होगा, और बॉय एक नाउन है चेंज नहीं होगा, फुल स्टॉप, ओके। इस तरह से हमने इसको चेंज करना है। तो जब भी यहाँ पे ये इंटरजेक्शन आ जाए, तो आपको जो ये रिप्रोच्ड ये जो वर्ड है, ये एक रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे यूज करना है। ये किसी के तिरस्कार करने के लिए, निंदा करने के लिए, किसी को धिक्कारने के लिए तब यूज करते हैं हम ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे द मैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बाय हेवन एक्सक्लेमेटरी आई एम नॉट एट फॉल्ट, आई एम नॉट एट फॉल्ट। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहते हैं बाई हेवन, बाई हेवन का मतलब है भाई वो एक किस्म से सुरग की सौगंध खा रहा है, जैसे बाई हेवन बाई गॉड इस तरह से यूज करते हैं। तो जब भी बाई हेवन आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको सैड से लेके और एक्सक्लेमेटरी साइन तक, यहाँ तक आपको क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड ऑन अर्थ या स्वॉर, आप एक्सक्लेम्ड
ऑन अर्थ भी लिख सकते हैं, या आप इसकी जगह स्वोर भी यूज कर सकते हैं। स्वोर, स्वीयर, स्वोर, स्वोर होता है ना ये कसम खाना, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द मैन एक्सक्लेम्ड ऑन अर्थ। आप यहाँ पे किसके स्वोर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्वोर। उसके बाद लिखना है दैट, उसके बाद सिंपल बच गया आई एम नॉट एट फॉल्ट, तो आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद एम का हो जाएगा वॉज नॉट एट फॉल्ट, ओके। इस तरह से हम इसको यूज कर देंगे। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही सैड, गॉड नोज, गॉड नोज आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट। तो जब गॉड नोज आ जाए तो आपको लिखना है कर्ल्ड अपॉन गॉड, ठीक है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको लिखना है कॉल्ड अपॉन गॉड। तो जब इसको चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, उसके बाद कॉल्ड अपॉन गॉड, ठीक है। उसके बाद टू विटनेस ये भी लिखना है। तो हमने क्या लिखा, कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस। ये जो फ्रेज है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसकी जगह लिखी है, हमने सैड से लेके एक्सक्लेमेटरी साइन तक, कब लिखी है, जब ये गॉड नोज आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस। उसके बाद आपको लगाना है दैट, और दैट के बाद ये सिंपल सेंटेंस बच गया आई एम इनोसेंट का हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही, एम का हो जाएगा वॉज और इनोसेंट, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लंबी क्लास हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।